उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के गुर्गे उस्मान छर्रा की तलाश में कौशाम्बी में पुलिस की दबिश तेज हो गई है। उस्मान के गंगा कछार में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। गंगा कछार से लेकर कोलकाता बंदरगाह तक जांच टीमें छापेमारी कर रही हैं। अहमदाबाद में साबरमती जेल के पास उस्मान छर्रा का एक फ्लैट है। उस्मान छर्रा पर अहमदाबाद में पोटा समेत कई आपराधिक केस दर्ज है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा दावा किया है। हत्याकांड को अंजाम देने से पहले असद ने 16 मोबाइल और 16 सिम खरीदे थे। फर्जी नाम पते पर खरीदे गए थे सभी मोबाइल और प्री एक्टिवेटेड सिम। हत्याकांड के बाद हर शूटर को 3-3 सिम कार्ड और मोबाइल दिए गए थे। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शायस्ता ने हर एक को 1-1 लाख रुपए दिए थे। उमेश पाल हत्याकांड में अब बुलडोजर एक्शन पार्ट 2 की तैयारी तेज हो गई है। शूटरों समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को अथॉरिटी ने नोटिस भेजा है। अथॉरिटी जवाब के बाद कार्रवाई की तैयारी में है। शूटर गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद गुलाम को भी नोटिस जारी की गई है। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है और दोनों ही फरार है। पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज हो गई है। एसटीएफ को शक है कि गुड्डू मुस्लिम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिपा है। इसके लिए एसटीएफ उसे पकड़ने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेरा डाले हैं। गुड्डू मुस्लिम के भेष बदलकर छिपे होने की खबर है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। आतंकी वारदात मामले में जम्मू कश्मीर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने कई जिलों में छापेमारी की है। अनंतनाग और पुलवामा से 1-1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 1 आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जा रही है। पिछले कई दिनों में आतंकी घटनाओं की आशंका को देखते हुए एनआईए लगातार छापेमारी और सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर में होने वाला G20 इवेंट अब इस पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है, जिस पर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ISI ने आतंकी संगठन लश्कर हिजबुल और जम्मू कश्मीर गजनबी फोर्स को ज्यादा से ज्यादा आतंकी हमले अंजाम करने का आदेश दिया है। दावा है कि ISI के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी ने इस्लामाबाद में आतंकी संगठन के कमांडर से इसे लेकर मुलाकात की। गुजरात में H3N2 वायरस से महिला की मौत हो गई है। इस वायरस से गुजरात में पहली मौत हुई है। महिला वडोदरा की रहने वाली थी और 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। इस वायरस से देश में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं H3N2 इन्फ्लुएंजा को रोकने के लिए अस्पतालों में रैपिड टीम तैनात कर दी गई है। पटना एम्स में 30 बेड का अलग आइसोलेशन वार्ड बनाने की भी तैयारी की जा रही है। राहुल के बयान और अडानी मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामा हुआ। हंगामे के बाद दोनों सदन कल 11 बजे तक स्थगित कर दिए गए। विपक्ष JPC की मांग पर अड़ा है। उधर BJP लगातार राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर माफी की मांग कर रही है, लेकिन संसद में ऑस्कर में डबल धमाके की भी गूंज रही। राज्यसभा ने सभापति ने विजेताओं को बधाई दी। नाटू नाटू पर पूरे सदन ने मिलकर ताली बजाई। उत्तर प्रदेश के मंदिर नवरात्र और रामनवमी पर भक्ति रस में डूबे नजर आएंगे, क्योंकि योगी सरकार इस साल नवरात्र के मौके पर प्रदेश भर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएगी। सभी देवी मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। साथ ही देवी गीत और देवी जागरण का भी आयोजन किया जाएगा, जिसका समापन रामनवमी के दिन अखंड रामायण पाठ के साथ होगा। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट खारिज कर दिया है। कोर्ट ने महिला जज को धमकाने के मामले में गैर जमानती वारंट खारिज किया है। महिला जज को धमकी देने और तोशाखाना मामले में इमरान खान को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। वारंट जारी होने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंची है। भयानक आर्थिक संकट में घिरा पाकिस्तान अब मदद के लिए अमेरिका के सामने कटोरा लेकर खड़ा है। पाकिस्तान चाहता है कि IMF से लोन हासिल करने में अमेरिका उसकी मदद करे। इसके साथ ही पश्चिमी देश भी पाकिस्तान की मदद करे, इसलिए पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है। सभी शर्तें मानने के बाद भी IMF पाकिस्तान को कर्ज देने में लगातार देरी कर रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। बहरीन में हुई अंतर संसदीय संघ में बैठक में भारत ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को लताड़ा है। भारत की तरफ से बैठक में शामिल होने बहरीन पहुंचे BJD के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने राइट टू रिप्लाई के तहत IPU में पाकिस्तान को जवाब दिया है। रूस की राजधानी मॉस्को में कड़ी पहरेदारी है। मॉस्को की 5 और डिस्ट्रिक्ट में S-400 समेत कई एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई। असल में पुतिन को मॉस्को में आसमान से हमले की आशंका सता रही है। जनवरी से अब तक यूक्रेन कई बार रूस की सीमा में घुसने की कोशिश कर चुका है और पुतिन के अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह को भेदने का प्रयास अब भी जारी है, जिसे लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को अब तक निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, लेकिन अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों की जान खतरे में है। एक इलाके से सामने आए वीडियो में एक आदमी बाढ़ में फंसकर मदद का इंतजार करता दिखाई दे रहा है। ब्राजील के मोनाउस में शहर में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ खिसकने से भारी तबाही मच गई। आसमान से बरसी इस आफत की वजह से 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी जबकि कई घायल हो गए। भारी बारिश की वजह से मोनाउस के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चारों तरफ पानी भर गया जिसमें शहर की सभी सड़कें डूब गई। बाहर खड़ी गाड़ियां भी पानी में इस दौरान फंसी हुई नजर आई। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रहने वाले करीब 22,000 लोगों को माफी दे दी गई। इन लोगों को अशांति फैलाने और सरकार का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ईरान में हिजाब के खिलाफ पिछले कई महीनों से प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पिछले साल वहां हिजाब आंदोलन की आग तब और भड़क गई जब 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मुद्दे पर फ्रांस के कई शहरों में पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। फ्रांस के हॉलशन शहर में तो कुछ लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए सड़क पर आगजनी भी की। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ सरकारी कर्मचारी सड़क पर टायर जलाते हुए दिखाई दिए। दक्षिण कोरिया को लेकर उत्तर कोरिया ने एक बड़ा दावा किया है। अपने दावे में दक्षिण कोरिया ने कहा कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दावा है कि ये 3 दिनों में उत्तर कोरिया का दूसरा लॉन्च है और दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के 5 साल में अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करने के बाद ये पहला लॉन्च किया गया है। बखमूत बचाने की जंग लड़ रहे यूक्रेन ने यहां पहली बार वहां स्मार्ट बम गिरा दिया, जिससे इस इलाके को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की की आखिरी बाजी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये वो खतरनाक बम है जो उसे अमेरिका से मिले हैं। इनका इस्तेमाल इस युद्ध में अब तक नहीं किया गया, लेकिन बखमूत को ना तो ज़ेलेंस्की किसी कीमत पर खोना चाहते हैं और ना ही पुतिन। जापान में 3 साल बाद लोगों को मास्क लगाने से राहत मिल गई है। जापान की सरकार ने कोविड गाइडलाइंस में ढील देते हुए कई पाबंदियों को हटा दिया है, जिसके बाद वहां कई लोग बिना मास्क के नजर आए। खुद जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा अपने दफ्तर में बिना मास्क के दिखे। 2020 में कोरोना फैलते ही वहां सरकार ने मास्क लगाने का नियम जरूरी कर दिया था, जिसे अब 3 साल बाद हटाया गया है। उमेश पाल शूटआउट कांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताएंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद ग्रुप चैटिंग करता था। अतीक ने व्हाट्सएप पर फैमिली ग्रुप बना रखा था। इस ग्रुप में अतीक के साथ ही बरेली जेल में बंद उसका छोटा भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, आरोपी बेटा असद और दूसरे लोग भी शामिल थे। इस ग्रुप में उमेश पाल शूटआउट केस को लेकर भी चर्चा हुई थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि फैमिली ग्रुप बनाया हुआ था जिसके